गत्ते के पुराने डब्बों से आप बेहद सुंदर तीन आयामी डब्बे बना सकते हैं। ये देखिए पुराना सीएफएल लैंप का डब्बा है, आपको एक कैंची और स्केल चाहिए। अब ये डब्बा सीएफएल लैंप का डब्बा है, इसका कटान क्रॉस सेक्शन चौकोर है। अभी देखिए आप डब्बे को दोनों तरफ से खोलिए और आपको अंदर एक चौकोर नजर आएगा। इसको चपटा कीजिए और दोनों सिरों से इसके फ्लैप्स को काट के अलग कर दीजिए। ये जो डब्बा है इसका कटान एक चौकोन है, स्क्वायर है और हर एक सिरे की लंबाई 55 मिलीमीटर की है। अब आप क्या कीजिए, स्केल से इसके एक सिरे को नापिए और उतनी ही लंबाई पर एक निशान लगाइए, चारों तरफ इस निशान को लगाइए और उतने हिस्से को काट करके अलग कर दीजिए। इसके लिए आप डब्बे को चपटा कीजिए और एक सीधी रेखा में काटेंगे तो आपको एक सेक्शन मिल जाएगा, एक हूप जैसा मिल जाएगा। इस तरह के आपको दो सेक्शन चाहिए, इनकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल एक समान है। और अब आप एक सेक्शन को दूसरे के अंदर फंसा सकते हैं और उसे बेहद सुंदर एक घन बन जाएगा। इसमें कोई गूंद नहीं चाहिए, कोई टेप नहीं चाहिए, आप इससे खेल सकते हैं, इससे पासा बना सकते हैं, अन्य खिलौने बना सकते हैं। अगर आप एक हेक्सागन बॉक्स बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको 31.8 मिलीमीटर की लंबाई के सेक्शंस काटने पड़ेंगे। ये हमने निशान लगाया है 31.8 मिलीमीटर पे। ऐसे हमको तीन सेक्शन चाहिए 31.8 मिलीमीटर के। ये देखिए पहला सेक्शन काट रहे हैं, ये दूसरा और तीसरा। अब इनके जो क्रॉस सेक्शन है वो तो वही वर्ग है 55 मिलीमीटर वाला, लंबाई और चौड़ाई एक बराबर, पर ये जो हम सेक्शन काट रहे हैं इसकी दूरी केवल 31.8 मिलीमीटर की है। अब ये तीन सेक्शन है, इन तीनों को आप एक दूसरे के अंदर फंसा सकते हैं। ये देखिए दूसरे को पहले के अंदर डाला, एक कोना बन गया और जो जगह बची, रिक्त स्थान बचा, उसके अंदर आपने तीसरे सेक्शन को घुसा दिया तो एक बिल्कुल षटभुजीय डब्बा बन जाएगा, एक हेक्सागोनल रेगुलर बॉक्स बन जाएगा। कितनी मजेदार चीज है ये, इससे भी आप खेल सकते हैं। अगर आप एक ऑक्टेगनल बॉक्स बनाना चाहते हैं, अष्टभुजीय डब्बा, तो उसके लिए आपको 22.8 mm लंबाई की चार पट्टियां काटनी पड़ेंगी। अब ये वही डब्बा है, इसकी क्रॉस सेक्शन जो है वो 55 मिलीमीटर का है, पर ये जो पट्टियां काट रहे हैं इनकी लंबाई 22.8 मिलीमीटर की है, 22.8 मिलीमीटर चौड़ी आप चार पट्टियां काटिए। इनका कटान सबका स्क्वायर होगा, देखिए स्क्वायर आपको कटान दिखाई दे रहा है 55 मिलीमीटर वाला, पर इनकी लंबाइयां 22.8 mm की है। अब इन चारों सेक्शन को आप एक दूसरे के अंदर फंसा सकते हैं। ये देखिए बिल्कुल कोने से कोना मिलाइए और धीरे धीरे करके एक ऑक्टेगनल शेप, एक अष्टभुजीय डब्बा बिल्कुल बन जाएगा। कितनी मजेदार चीज है, ना गोंद लगता है ना टेप लगता है और आप तीन आयामी डब्बे बना सकते हैं। और ये तीनों डब्बों की जो क्यूब है, जो हेक्सागोनल बॉक्स है, ऑक्टेगनल, तीनों की ऊंचाई 55 मिलीमीटर की बिल्कुल एक बराबर है। और यहां पर आप देख रहे हैं कि ये बच्चा इनका आनंद ले रहा है।